छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गोदान न्याय योजना अंतर्गत राज्य शासन के मंशानुरूप कोठानों में गोबर खरीदी के साथ साथ अब गोमूत्र खरीदी कर जैविक उत्पाद बनाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कड़ी में नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी के निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री उमेश तोमर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश्वरी बर्मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री पी के ग्रतलरे के त्वरित पहल पर तेंदुर रहा गोठान में गोमूत्र की खरीदी कराई गई और आज गंगा महिला स्व सहायता समूहों को जैविक कीटनाशक दवा बनाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण बीटीएम प्रकाश थवईत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आनंद सिंह राजपूत द्वारा गोठान परिसर में कराया गया। 5 किस्म के गठुआ, पत्ते, आंख, दतुरा, नीम, करंज, सीताफल पत्ती को मिलाकर 30 लीटर का ब्रह्मास्त्र एवं 25 लीटर का निमास्त्र बनवाया गया, जो कि फसलों में जैविक कीट नियंत्रण में उपयोगी होगा। कृषि विभाग के सतत निगरानी में शासन के मंशानुसार गोठान में पैरा संग्रहण की भी शुरुआत की गई है। वहीं डाकों का अपडेट कराकर 6 डाकों में केचुआ भी छोड़ा गया है। अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य भी जारी है।